तुम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। ओम हे ताता सावधान, देखना पूर्व की दिशा में और पश्चिम की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, नैऋत्य से वायव्य तक जो भी दिशाएं हैं, इन समस्त दिशाओं पर निगाह रखो। कहीं से कोई अताताई यज्ञ मंडप तक न आने पावे। या राम मल्ला हम ताड़ता के, ये बालक तुम्हारा है। ये साहस कि नन्हे नन्हे सुकुमार बालक 10,000 हाथियों का बल रखने वाली अपने ऊपर में पाप बाड़का को निशाचर कर स्वाहा। चुप रहे वही बतिया लेते ए लड़के इधर आओ। अभी हमारा वार देखना। ये बताओ जब एक जनी मत हमारे हिस्सा राज्य में रहकर हमी से बैर बढ़ाकर अपने मृत्यु को निमंत्रण दिया है। प्रथम तो अपना आप परिचय दे। तो हमारा नाम महारथी सुबाहु है। आपको सुना जान पड़ रहा है कि तो हे महारथी सुबाहु, मैं क्यों मृत्यु को निमंत्रण दूंगा। जो आताताई है, शास्त्रों का मत है, उसे इस धरा पर रहने का कोई स्थान न हो। ते मृत लोके नहीं भारी भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रंते, ऐसे व्यक्ति का इस भूमंडल पर कोई स्थान नहीं। और तुम इसके लिए प्रायश्चित करते हो। यहाँ वेद पाठी तू सब भूल जाएगा। जिस समय मेरे हाथों में तलवार, अच्छा तो आप धमकी पर भी उतर आए कि तो मुझे भी नहीं जानते, हम क्षत्रिय हैं। और आपने एक बात और कहा है कि वन में वन प्रदेश तो सदा सिंहों का ही रहा किया है, सिंह ही उस पर राज करता है और हम पुरुषों में सिंह हैं। हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही तुमसे फल मृग ढूंढता है। रिप बलवंत देख नहीं डर हूं, एक बार कालो शंदर हूं। अरे नादान बालक, बचपना छोड़ दे, इसी में भलाई है। तेरी मोहनी सूरत को देख कर मेरे हृदय में दया आई है। अच्छी बात है, इसलिए राता श्री मैं अपनी बाहों से यदि इस बालक का वध करूं तो हमारी वीरता को लज्जा आती है। स्वाहा। ए बालक, पहले ये बताओ तुम किसके पुत्र हो और तुम कहां के रहने वाले हो। आप तो अच्छे लगते हैं, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। हमें लोग प्यार से राम कहा करते हैं और वह मेरे अनुज हैं। इन्हें लोग लक्ष्मण कहते हैं और हमारे आराध्य भगवान शिव के परम प्रेमी और भक्त हमारे गुरुदेव भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, मेरे माँ को तुम्हें मारे हो क्या? तारका आपकी माँ थी? हाँ, वो मेरी माँ थी।
हे मारी, मैंने ही तुम्हारी माता ताड़का को अपने निजकरों से सदा के लिए सुला दिया है। आप उठ नहीं सकेगी, इसलिए तुम उसका चिंता न करो, क्योंकि आताताई थी। तुम भी तो बुद्धिमान हो, आताताई को मार देना ही उचित होता है, नहीं तो विष और फैलता है। अच्छा, सबके लाल तूने खोफो खतरना कीड़ा ले हाथों में धनुष बाण और लड़ने को चल दी ना। अरे बालक हो ये भाई, अभी पीछे पछताओगे। जिस दम उठेगा ये हर्षा मेरा, भागते राह ना पाओगे। हे मारीच और शिवा, लौटो तुम, चले जाओ अपने सेनाओं के साथ, क्योंकि लगता है तुम निर्बल हो। जब है निर्बल पाओ, बातों से जीता नहीं जाता रड़का दा। तुम सेनाधारी बलागार, हम मुनिवर के शक हैं। मेरा आधार फिर भी न हुआ तुझसे प्रहार, धिक्कार है तुझे, तेरे कुल को धिक्कार है बार बार। हे योद्धा, अपने को योद्धा कहलाने वाला वीर रण में बातें नहीं करता, चित करता है। बहुत बोल रहा है, मैं खामोश किस लिए हूँ? कि तुम अभी बच्चे हो और सुंदर हो, अति सुंदर हो। सोच रहा हो यदि तुझे यहाँ मैं मार देता हूँ तो इस पृथ्वी से सुंदरता मिट जाएगी, इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए दंड ये है, तुम इस वन को छोड़कर जितने जल्दी हो उतने जल्दी निकल जाओ। तुमसे मैं अब शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे जैसे पशु केवल क्षत्रियों के हाथ ही वध योग्य ही हुआ करते हैं। सावधान, तू मुझे क्या कर रहा है? अरे डांग का मेरा वज्र गुंबे या फलाक में, ऐसे मेरे फरिश्तों का दम रहता है नाक में। चलता हो, चलता हो तूफान में, लहरों की आंचल चीर के मौत तेरी मर रही आज इस रंगत भरी सफेद पे। आना बार ये तू मरना ही चाहता है तो यहाँ मैं दया करता रहा और